आज के पाठ का शीर्षक है बिहारी की काव्य कला। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप रीतिकाल में कला के प्रति कवियों के लगाव का कारण समझ सकेंगे। रीतिकाल के कवियों विशेषकर बिहारी पर दरबारी परिवेश के प्रभाव को समझ सकेंगे, बिहारी की कला दृष्टि का विश्लेषण कर सकेंगे और बिहारी की काव्य कला के विविध पक्षों को समझ सकेंगे। रीतिकाल में कला के प्रति विशेष आग्रह दिखाई देता है। दूसरे शब्दों में इस काल के कवि कला को लेकर अतिरिक्त सावधान दिखाई देते हैं। कवि कर्म के लिए संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश के तमाम ग्रंथों का अध्ययन और काव्यशास्त्र की गहरी जानकारी कवियों का अभीष्ट बन जाता है। कवियों का पूरा ध्यान रस, छंद, अलंकार, नायिका भेद के शास्त्रीय ग्रंथों पर केंद्रित हो जाता है। ऐसा मान लिया जाता है कि काव्य कला की समुचित जानकारी के अभाव में कविता करना संभव नहीं है। स्वाभाविक रूप से इस समय कविता का रूप पक्ष महत्वपूर्ण हो उठता है और भाव पक्ष गौण। कविता भावों की सहज अभिव्यक्ति न होकर अलंकरण की चीज़ बन जाती है। इस समय काव्य कला का अभूतपूर्व उत्कर्ष दिखाई देने लगता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर ही रमा शंकर शुक्ल रसाल जैसे आलोचक ने इस काल को कला काल नाम दिया था। यहाँ ध्यान रखना होगा कि कला के प्रति ऐसा आग्रह सिर्फ रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध कवियों में है, रीतिमुक्त कवि इससे काफ़ी हद तक मुक्त हैं। निस्संदेह उनके यहाँ भाव की ही विशेष महत्ता है। कला के प्रति रीतिकालीन कवियों के विशेष लगाव को ठीक से समझने के लिए ज़रूरी है कि तत्कालीन परिवेश पर गौर किया जाए। अब हम रीतिकालीन परिवेश और काव्य कला पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, रीतिकाल सामंती व्यवस्था के सुदृढ़ होने का काल है। इस काल के अधिकांश कवि किसी राजा या सामंत के दरबार में रहकर रचना करते थे। स्वाभाविक रूप से इन कवियों को कविता करते समय अपने आश्रयदाताओं की रुचि का ध्यान रखना पड़ता था। कवियों की कोशिश होती थी कि रचना आश्रयदाताओं एवं रसिकों को चमत्कृत करने वाली हो। इसके लिए कवियों ने कला पर सबसे ज़्यादा भरोसा करना शुरू किया। कविता कला की दृष्टि से जितनी सुसज्जित होती उतनी ही उसे काव्य रसिकों से वाहवाही मिलती। कवियों को रचना के एवज में यश और धन की प्राप्ति होती। इसमें संदेह नहीं कि कवियों को कला के प्रति सचेत बनाने में तत्कालीन परिवेश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहारी स्वयं दरबार से जुड़े कवि थे। कहा जाता है कि उनके आश्रयदाता मिर्जा राजा जय सिंह उनकी काव्य कला के बहुत बड़े प्रशंसक थे। वे बिहारी के दोहों के इतने बड़े प्रशंसक थे कि उनके प्रत्येक दोहे पर एक अशर्फी पुरस्कार स्वरूप दिया करते थे। दोहा जैसा छंद लिखकर यदि कोई कवि इतना सम्मान हासिल कर सका तो स्वीकार करना होगा कि उसके दोहे कला की दृष्टि से उत्कृष्ट रहे होंगे। हिंदी में अनेक कवियों ने इस छंद का प्रयोग किया है, लेकिन शायद ही किसी को वह ऊंचाई हासिल हुई हो जो बिहारी को मिली। बिहारी के दोहे उनकी कलात्मक क्षमता का अद्भुत नमूना प्रस्तुत करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में कहें तो ये दोहे रस के छोटे छोटे छींटे हैं। कम शब्दों में अधिक बातें कहना एक कला है और यही कला बिहारी के दोहों को विशिष्ट बनाती है। उन्होंने इस छोटे से छंद में जितना अर्थ भरा है वह सामान्य पाठक के लिए आश्चर्यजनक है। ठीक ही आलोचकों ने बिहारी के दोहों में गागर में सागर की कल्पना की है। दोहा की विशेषता है कि वह सभा समाज के जितना अनुकूल होता है उतना ही रचनाकार को पांडित्य प्रदर्शन का अवकाश भी देता है। शायद इसी सुविधा का ध्यान में रखकर बिहारी ने यह छंद अपनाया होगा। अब हम बिहारी की कला दृष्टि पर बातचीत करेंगे।
बिहारी रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इस काव्यधारा से जुड़े कवियों ने यद्यपि लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, फिर भी रचना करते समय इन कवियों का ध्यान बराबर लक्षणों पर बना रहा। काव्य के सैद्धांतिक पक्ष का विवेचन न करते हुए भी ये रचनाकार काव्यशास्त्रीय नियमों की परिधि में रचना करते थे। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि इन कवियों की कला दृष्टि के निर्माण में शास्त्र की निर्णायक भूमिका है। रस, छंद, अलंकार, नायिका भेद, नक्षिक, षट ऋतु के शास्त्रीय प्रभाव में बिहारी एवं दूसरे रीति सिद्ध कवियों ने रचनाएं लिखी हैं, यह एक स्वीकृत तथ्य है। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश की मुक्तक काव्य परंपरा से बिहारी प्रभावित थे, इसका प्रमाण उनकी सत्सई है। आर्या सप्तशती, गाहा सप्तशती और अमरूक शतक के सत्सई पर पढ़ने वाले प्रभाव की चर्चा पद्म सिंह शर्मा जैसे आलोचक ने भी की है। यहाँ उल्लेखनीय है कि रीति सिद्ध कवि मूलतः कवि थे, आचार्य नहीं। वे रीतिबद्ध कवियों की तुलना में अधिक स्वतंत्र थे और रचना प्रक्रिया में शास्त्र के अलावा अपने लोक ज्ञान और पर्यवेक्षण का भी कभी कभार उपयोग कर लिया करते थे। ये कवि रीतिमुक्त कवियों की तरह शास्त्रीय नियमों की अवहेलना नहीं कर सके, बावजूद इसके उनमें कहीं कहीं स्वतंत्र उद्भावना शक्ति की झलक अवश्य दिख जाती है। बिहारी के यहाँ कई ऐसे दोहे मिल जाएंगे जिनकी रचना उन्होंने लोक ज्ञान और सूक्ष्म पर्यवेक्षण के आधार पर की है। घर जमाई की स्थिति या वैद्यों पंडितों के पाखंड पर जैसी चुटकी उन्होंने ली है, वह उनकी गहरी पर्यवेक्षण शक्ति का परिचायक है। इसलिए बिहारी की काव्य कला के निर्माण में उनके लोक ज्ञान की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। अपने दोहों में उन्होंने कई ऐसे शब्दों और सूक्तियों का प्रयोग किया है जिनका सीधा संबंध लोक से है। काव्य कला दृष्टि के निर्माण में शास्त्र एवं लोक ज्ञान के अलावा कवि कल्पना शक्ति की भी भूमिका रही है। अधिकांश आलोचकों की नज़र में बिहारी रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि हैं। उनकी श्रेष्ठता का आधार उनकी एकमात्र रचना सत्सई है। सत्सई मुक्तक काव्य है जिसमें लगभग 700 दोहे संकलित हैं। कोई कवि कम लिखकर भी पाठकों और आलोचकों की नज़र में उस दौर का श्रेष्ठ कवि हो सकता है, सत्सई इसका प्रमाण है। इस ग्रंथ की लोकप्रियता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि रामचरित मानस के बाद हिंदी में सर्वाधिक टीकाएं इसी ग्रंथ की लिखी गई हैं। गद्य और पद्य दोनों में लगभग 50 महत्वपूर्ण टीकाएं इस ग्रंथ की लिखी जा चुकी हैं। टीकाकारों ने सत्सई के एक दोहे की अनेक व्याख्याएं की हैं। लाला भगवान दीन ने इसकी शांत रस परक व्याख्या की है। इसी प्रकार दूसरे आलोचकों ने भी इसकी अलग अलग दृष्टि से व्याख्या की है। बिहारी के इस ग्रंथ ने बाद के कवियों को इतना प्रभावित किया कि कई कवि इसकी नकल पर सत्सई लिखने लगे। कुछ ने तो हजारा तक लिखा। इससे पता चलता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में बिहारी सत्सई का क्या महत्व है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने यहाँ तक स्वीकार किया कि पूरे यूरोपीय साहित्य में इस तरह का कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। जाहिर है यह बिहारी की काव्य कला ही है जिसकी वजह से सत्सई को यह प्रतिष्ठा हासिल हुई। ताज्जुब की बात तो यह है कि बिहारी को यह प्रतिष्ठा मुक्तक काव्य रचना के लिए मिली जिसमें रचनाकार के पास भाव व्यंजना के लिए उतना अधिक अवकाश नहीं रहता जितना प्रबंध काव्य में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रबंध काव्य से मुक्तक की तुलना करते हुए लिखा है, मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती जिसमें कथा प्रसंग की
परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक अस्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। मुक्तक में प्रत्येक छंद स्वतंत्र प्रसंग लिए हुए होता है, उसका पूर्व के प्रसंग से संबद्ध होना अनिवार्य नहीं होता। इसमें कवि को प्रसंग कल्पित करते हुए उसे संक्षिप्त रूप और सशक्त भाषा में प्रस्तुत करना होता है, जो कवि के लिए चुनौती जैसा है। सफल मुक्तकार वही हो सकता है जिसमें कल्पना और भाषा की समाहार शक्ति हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह क्षमता विहारी में पूर्ण रूप से मौजूद है और तभी वे मुक्तक रचना में पूर्ण रूप से सफल भी हैं। बिहारी की इस क्षमता को देखते हुए ही उनके संबंध में यह दोहा प्रचलित हो गया, सतसैया के दोहरा जो नाविक के तीर, देखत को छोटन लगे घाव करे गंभीर। आशय यह है कि बिहारी सतसई के दोहे छोटे होने के बावजूद पाठक के हृदय पर गंभीर प्रभाव छोड़ते हैं। इसका कारण यह है कि बिहारी ने सतसई में काव्य कला का बड़ा ही सधा प्रयोग किया है, ऐसा सधा प्रयोग कि मुक्तक काव्य परंपरा का संपूर्ण उत्कर्ष इस ग्रंथ में दिखाई देने लगता है। सतसई में भाव योजना, हाव योजना, वस्तु योजना, अलंकार योजना और भाषा का जैसा संतुलित प्रयोग हुआ है वह बहुत कम रचनाओं में दिखाई देता है। दोष दर्शन करने वाले बिहारी में भी दोष ढूंढ लेते हैं, किंतु यह स्वीकार करना होगा कि उनकी शक्ति के सामने बड़े बड़े आलोचक भी सिर झुकाते नजर आते हैं। बिहारी मूलतः श्रृंगारी कवि हैं। श्रृंगार के दोनों पक्षों पर उन्होंने दोहे लिखे हैं, लेकिन मन उनका संयोग पक्ष में ही ज़्यादा रमा है। इसके कारणों की ओर संकेत करते हुए डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, संयोग श्रृंगार का मूलाधार शारीरिक आकर्षण है, जो अनेक प्रकार के रूपों, भंगिमाओं, चेष्टाओं, वाचिक एवं शारीरिक विकारों, मानसिक दशाओं आदि में प्रस्तुत होता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन प्रसंगों में कवि को अपनी प्रतिभा दिखाने का पर्याप्त अवसर मिलता है। जहाँ तक बिहारी का प्रश्न है, यह मानना होगा कि उनका मन क्रीड़ा परक प्रेम की अभिव्यक्ति में ज़्यादा रमा है। कवि ने प्रेम के क्रीड़ा परक प्रसंगों की योजना बड़ी निपुणता और कौशल से की है। इसकी वजह से उनकी भाव योजना रस व्यंजना की दृष्टि से पूरी तरह सफल है। भाव व्यंजना में भंगिमाओं की अहम भूमिका मानी जाती है। सचेष्ट भंगिमा को हाव कहा जाता है। हाव को परिभाषित करते हुए बच्चन सिंह ने लिखा है, एक विशेष प्रकार की भंगिमा जो संभोगेच्छा सूचक होती है, काव्य शास्त्र में हाव कही जाती है। कहा जाता है कि बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनकी हाव योजना में दिखाई देता है। बिहारी जैसी सुंदर अनुभाव या हाव योजना किसी श्रृंगारी कवि के यहाँ नहीं दिखाई देती। बिहारी का सर्वाधिक सबल पक्ष उनकी हाव योजना में उभरा है। उदाहरण के लिए आइए यह दोहा देखते हैं, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौंह करें भौं हनु हँसें दैन कहें नट जाए। यह दोहा हाव योजना का उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत करता है। इस संदर्भ में एक और उदाहरण देखा जा सकता है,
नाक चढ़ै सी भी करै, जितै छबीली छैल, फिर भूलि वहें गहें, प्यों कंकरीली गैल। नायिका का सीबी करना नायक को इतना अच्छा लगता है कि वह बार बार इसे नायिका के मुंह से सुनना चाहता है और इसके लिए कंकरीले मार्ग का जानबूझकर चयन करता है। यहाँ सीबी का व्यापार निश्चेष्ट हाव योजना का उदाहरण प्रस्तुत करता है। भावों की सटीक अभिव्यक्ति के लिए बिहारी ने वस्तु योजना का भी सहारा लिया है। उनकी वस्तु योजना प्रभावशाली दृश्य उपस्थित करने में पूरी तरह समर्थ है। इसका इस्तेमाल कवि ने नायिका की कांत, सुकुमारता, विरह ताप आदि के संदर्भों में किया है। इस प्रक्रिया में उसने जो क्रम स्थापन किया है वह भी बड़ा प्रभाव उत्पादक है। इसका उदाहरण देखिए। सघन कुंज घन घन तिमिर, अधिक अंधेरी रात, तौ न दूरी है श्याम यह दीप शिखा जाति। पहली पंक्ति में जो तीन वस्तुओं कुंज, तिमिर और अंधेरी रात का क्रम दिया गया है वह रात्रि की भयंकर कालिमा को पूरी तरह व्यंजित कर देता है। कहीं कहीं वस्तु योजना में अतिरंजना भी दिखाई देती है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। आड़े दय आले बसन, जाड़े हूँ की रात, साहस ककै स्नेह बस, सखी सबै ढिग जाती। प्रोषित पतिका नायिका के विरह ताप को अभिव्यक्त करने के लिए कवि ने यहाँ अतिरंजना का सहारा लिया है। बिहारी का अलंकारों पर असाधारण अधिकार है। उनकी सतसई में प्रायः सभी प्रमुख अलंकार मिलते हैं। बिहारी ने शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार सभी की योजना बड़ी सावधानी से की है। किसी किसी दोहे में कई अलंकार आ गए हैं लेकिन उनमें कोई उलझाव नहीं आया है। बिहारी के अलंकार प्रेम का नमूना सतसई का पहला दोहा प्रस्तुत करता है जिसमें वे श्लेष का चमत्कार दिखाते हैं। असंगति या विरोधाभास अलंकार के कई मार्मिक दोहे उन्होंने लिखे हैं। एक उदाहरण देखते हैं। दृग उरझत टूटत कुसुम, जुड़त चतुर्चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन ही है, दई नई यह रीति। बिहारी ने अपने काव्य में बहुत सी सूक्तियों का प्रयोग किया है। इनमें से अधिकतर सूक्तियाँ नीतिपरक हैं। इन सूक्तियों में वर्णन वैचित्र या शब्द वैचित्र की प्रधानता है। बिहारी कला के प्रति अत्यधिक सचेत कवि हैं। इसके कारण उनके दोहों में टेक्निक संबंधी त्रुटि नहीं दिखाई देती। बिहारी का भाषा पर अच्छा अधिकार है। उनकी वाक्य रचना व्यवस्थित है और उसमें शब्दों का प्रयोग बहुत सावधानी से किया गया है। बिहारी के यहाँ जो वाग् वैदग्ध्य है या उनके कथन में जो बांकपन दिखता है वह उनकी भाषिक क्षमता की ही देन है। यदि किसी कवि को रचना में शब्द जड़ने की कला नहीं आती तो उसमें वाग् वैदग्ध्य भी नहीं मिलेगा। बिहारी की काव्य भाषा में मूलतः ब्रजभाषा के शब्द आए हैं पर जगह जगह पर उन्होंने ज़रूरत के मुताबिक बुंदेली और अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग भी किया है। व्याकरण की कसौटी पर उनके कुछ भाषिक प्रयोग त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं लेकिन समग्रता में उन्होंने भाषा का प्रयोग बड़ी सावधानी से किया है। बिहारी की गणना रीतकाल के श्रेष्ठ कवियों में होती है। उनकी प्रसिद्धि का आधार उनकी एकमात्र रचना सतसई है। सतसई मुक्तक काव्य है जिसमें लगभग 700 दोहे संकलित हैं। इतना कम लिखकर और वह भी
दोहा जैसा छोटा छंद लिखकर कोई कवि इतनी कीर्ति प्राप्त कर सकता है, बिहारी इसके उदाहरण हैं। सतसई आलोचकों एवं पाठकों के बीच इतनी लोकप्रिय रही है कि इसकी गद्य और पद्य में पचासों टीकाएं लिखी गई हैं। एक एक दोहे की अनेक तरह से व्याख्या की गई है। जाहिर है काव्य कला की दृष्टि से यह उत्कृष्ट ग्रंथ है, तभी व्याख्याकारों को इसमें इतनी दिलचस्पी रही है। कल्पना और भाषा की समाहार शक्ति जिस कवि में जितनी अधिक होगी, वह उतना ही अधिक सफल मुक्तककार होगा। इस दृष्टि से बिहारी एक सफल मुक्तककार है। बिहारी ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, लेकिन सतसई की रचना पर लक्षण ग्रंथों का प्रभाव देखा जा सकता है। उनकी कला दृष्टि के निर्माण में शास्त्र ज्ञान के अलावा लोक ज्ञान और कवि की पर्यवेक्षण शक्ति की भूमिका है। सतसई की भाव योजना या रस योजना, हाव योजना, वस्तु योजना और अलंकार योजना उत्कृष्ट है। कवि ने बड़ी निपुणता और कलात्मक कौशल के साथ दोहों में इनका संयोजन किया है। काव्य भाषा पर बिहारी की असाधारण पकड़ है। यह पकड़ उनके वाग् वैदग्ध्य में देखी जा सकती है। ब्रजभाषा के अलावा बुंदेली और अरबी फारसी के शब्दों का उन्होंने प्रयोग आवश्यकता के हिसाब से किया है। निष्कर्षतः माना जा सकता है कि बिहारी कला के प्रति सचेत कवि हैं।